यदि बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी है तो इस संधि को आपने देखा होगा। एक राजा है जो एक ऊंचे से सिंहासन पर बैठा है, अपने दोनों साइड में शेर बांध रखे हैं और उसके सामने गिरफ्तार करके बाजीराव को सामने लाके बिठाते हैं और राजा कहता है कि पेशवा बाजीराव तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशवा एकदम आराम से कूल चिल होके बोलता है कि निजाम गिरफ्तार मैं नहीं हूं, गिरफ्तार तुम हो। ये जो चारों तरफ आदमी दिखाई दे रहे हैं ये तुम्हारे नहीं मेरे हैं। और निजाम को लगता है कि यार मराठे बंदूक ले लेके तैयार खड़े थे कि घेर लिया इन्होंने तो। और उसके बाद निजाम जब फंस गया तो निजाम को बाकायदा संधि करनी पड़ी। वहां पर जो वो संधि हो रही है वो मुंगी शिवगांव की संधि है। हालांकि इस मूवी में तो बाजीराव को बेचारे को बहुत ही घटिया सा दिखाया हुआ है और बाजीराव जो है वो संधि करते टाइम वहां पे डायलॉग और फर्जी फर्जी से डायलॉग दिए हुए। बाजीराव वहां बोल रहे हैदराबाद के राजा को बोलते थे निजाम, तो बाजीराव के मुंह से वहां डायलॉग बुलवाए कि फलों के राजा को कहते हैं आम, दक्षिण भारत के राजा को कहते हैं निजाम। मुझे लगा यार संजय लीला बंसाली ऐसे कैसे कर सकता है यार तू, मराठों के पेशवा के सबसे बड़े सरदार से इतने चालू बजारू टाइप के डायलॉग कैसे बुलवा सकता है। आम आम निजाम निजाम ये कोई डायलॉग है संधि में बोले जाने वाले? थोड़े ढंग की बातें करते हुए दिखाते यार, सेंसिबल दिखाते बाजीराव को, दिखाते कि विजेता किस प्रकार का बिहेव करता है। मजाक या जोकर बना के रख दिया। और यदि राजा अपनी संधियों में इस प्रकार की बातचीत करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड, फिर तो यार एक राजा दूसरे राजा को लेटर लिखता है तो वैसे भी लिखता होगा, शीशी भरी गुलाब की इन पत्थर से फोड़ दूं, तुम्हारे खत का जवाब नहीं आया तो खाना पीना छोड़ दूं, ये भी कहलवाई देते यार थोड़ा बहुत। फर्जीवाड़ा दिखाते हैं बॉलीवुड वाले। अब बाजीराव क्रूर टाइप का आदमी था, कहते बाजीराव से या तो लोग डरते थे या बाजीराव से नफरत करते थे। कोई प्यार करने वाली वैसी बाजीराव में फीलिंग ही नहीं थी, उसके बच्चे तक नहीं बोलते थे यार बाजीराव से, हंसता ही नहीं था, कभी किसी ने बाजीराव को हंसते भी नहीं देखा था। उस मूवी में बापड़े बाजीराव से ढोल पिटवाए हैं, ढोल बेइज्जती करके रख दी बाजीराव की। बाजीराव यदि ऊपर से आ सकता ना तो आगे संजय लीला बंसाली को उल्टा लटका के बांसते बाड़ता नीचे। और सुनो उस मूवी में एक और सीन है बहुत अच्छा सा, जब आप देखते हैं कि बाजीराव अपने कैंप के अंदर बैठा हुआ है, एक मंत्री को बुलाता है, सेनापति को बुलाता है और सेनापति को बुलाकर कहता है कि सेना को कहो कि सतारा की तरफ कूच करेंगे और छत्रपति से मिलेंगे। छत्रपति कहां रहते थे? सतारा। तो सतारा की तरफ कूच करेंगे। सेनापति वापस जाता है कि जो आज्ञा पेशवा श्रीमंत बाजीराव। इतने में जिस कैंप में बाजीराव बैठा हुआ है कैंप के पर्दे फाड़ती हुई सुंदर युवती वहां पर उपस्थित होती है मस्तानी, और वो कहती है कि बाजीराव पेशवा बाजीराव मैं ओरछा के राजा छत्रपाल छत्रसाल बुंदेला की पुत्री हूं। ओरछा के राजा छत्रसाल बुंदेला बुंदेलखंड का एक राज्य ओरछा जहां पर छत्रसाल बुंदेला उन दिनों में राज कर रहे थे और मेरे पिता पर मुहम्मद खान बंगस ने आक्रमण कर दिया। फर्रुखाबाद का राजा मुहम्मद खान बंगस ओरछा को घेर के बैठा हुआ था। महाराज छत्रसाल बुंदेला अपने किले के अंदर से राज्य की रक्षा कर रहे थे पर अब रक्षा करनी संभव नहीं थी। अफगानों की सेना बहुत ज्यादा थी, बंगस चारों तरफ फैले हुए थे और मस्तानी पेशवा बाजीराव से सहायता मांगती है। पेशवा बाजीराव पुनः अपने सेनापति को बुलाकर कहते हैं कि सेनापति इस सेना को कहिए कि सतारा की तरफ कूच नहीं किया जाए, हम ओरछा चलेंगे। सेनापति ने कहा कि जब महाराज छत्रपति साहू को पता चलेगा कि हम उनसे मिलने सतारा नहीं जाकर ओरछा की तरफ जा रहे हैं तो छत्रपति दंड देंगे। पेशवा हंसकर कहता है कि नहीं सेनापति, जब महाराज छत्रपति साहू ये सुनेंगे कि एक हिंदू दूसरे हिंदू की रक्षा करने के लिए गया है तो बेहद खुश होंगे, हमें हिंदू पद पाद सही स्थापित करनी है। बाजीराव अपने तेज गति से ओरछा की तरफ जाता है। फिर एक सीन है, रथ के ऊपर बैठा हुआ मोहम्मद खान बंगस कहता है कि किले से आक्रमण बंद हो गया है, मुझे लगता है किले में सब कुछ समाप्त हो गया होगा, क्यों ना आप किले पर आक्रमण कर ले। कैमरा घूमता है और
घोड़े की टापों से पूरा मैदान गुंजायमान रहता है। बाजीराव अपने सैनिकों के साथ आ जाता है। मोहम्मद खान बंगस को भगा देता है वहां से, छत्रसाल को जीत दिलवाता है। छत्रसाल इस जीत के सम्मान में, इस जीत की याद में, बाजीराव के सम्मान में एक दरबार का आयोजन करते हैं तथा बाजीराव को अपनी तरफ से चार जागीरें गिफ्ट करते हैं कि जाओ बाजीराव, मैं तुम्हें चार जागीरें गिफ्ट करता हूं, तुमने मेरी सहायता की। उन जागीरों के नाम थे कालपी, सागर, झांसी और हरिदेनगर। आप में से ज्यादातर लोग सही सोच रहे हैं, ये कालपी वही जगह है जहां पर सांगा की डेथ हुई थी, ये झांसी वही है जहां की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम 57 के संग्राम में पढ़ते हैं। दो नाम याद करने, एक सागर याद करना, एक हरदेनगर याद करना है। तो चार जागीरें गिफ्ट में दी गई थी। बाजीराव ने छत्रसाल से कहा कि महाराज छत्रसाल, आपने जागीरें तो कालपी, झांसी, सागर और हरदेनगर दे दी, पर मेरा हरिद्य रख लिया आपने, मैं मेरा हरिद्य आपकी राजधानी अवस्था में छोड़कर जा रहा हूं। छत्रसाल ने पूछा कि महाराज ऐसी कौन सी चीज रह गई आपकी, का दिल चुरा लिया तुम्हारी मस्तानी ने। छत्रसाल ने कहा कि जाओ हरदेनगर के साथ में इस हरिद्य को भी लेते जाओ। बाजीराव मस्तानी को लेकर चला जाता है। उस मूवी में एक और बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया हुआ है। उसमें एक तरफ यह दिखाया हुआ है कि जो मस्तानी है वो छत्रसाल बुंदेला की डॉटर है, कि छत्रसाल बुंदेला की एक मुस्लिम महिला के साथ में गणिका है, वो मुस्लिम महिला उसके साथ में रहती है और उसकी जो डॉटर होती है वो मस्तानी है, उसकी बेटी है, एक नाचने वाली महिला से पैदा हुई लड़की। और दूसरे सीन में दिखाया हुआ है कि जब छत्रसाल बुंदेला बाजीराव के सम्मान में दरबार का आयोजन करते हैं तो बीच में छत्रसाल बुंदेला बैठे हैं, एक तरफ उनकी महारानी बैठा है, एक तरफ बाजीराव बैठा, सामने मस्तानी डांस करती है। मुझे लगा कि फिल्मकार ने भारतीय संस्कृति को तार तार करके रख दिया इस सीन के अंदर। मतलब फिल्मकार ये बताना चाहता है कि भारत में पहले लोग किसी बड़े मेहमान के घर पर आने पर अपनी बेटियां नचवा दिया करते थे। लोग कहते हैं कि फिल्मों में ऐसा कुछ भी दिखाने से क्या असर पड़ जाएगा। अरे खूब पड़ता है, लोग फिल्मों से सीखते हैं कि मास्टरियम के अगले कुछ सालों बाद में कोई इस मूवी को देखकर ये सोचे कि यार पहले राजा भी और किसी दूसरे बड़े राजा के आने पर बेटी से डांस करवा रहा है, पर घर पे कोई बड़ा मेहमान आए और कोई भारतीय सज्जन कहे कि भाई आज प्लीज। गलत था, या तो आप बेटी मत दिखाइए, साफ साफ दिखा दीजिए कि साहब इस प्रकार एक दासी की बेटी है वो, और या आपने बेटी दिखा दिया उसको तो डांस मत करवाइए। दो अलग अलग चीजें हैं, एक साथ मिलाने की कोशिश मत कीजिए आप। पर भारत में लोग इतिहास जानते ही नहीं, इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमारा पूरा ध्यान इस पे होता है, ठीक है डांस कर गई, इस बहाने डांस का सीन आ गया, कुछ ही दिखा देते हैं बॉलीवुड वाले। मैं हमेशा कहता हूं बॉलीवुड वाले ऐतिहासिक मूवियों के साथ में जितनी विकृत मानसिकता के साथ पेश आते हैं उतना कोई नहीं आता होगा। इनको हिस्ट्री का कखे गई नहीं आता, इनकी छठी क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। आप उस सीन को देखो तो आप सोचना दोबारा कभी उस पर।